ग्रहण आता है ना, ग्रहण का पर्व आता है, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण। अब मानो चंद्र ग्रहण आया, रात्रि में ही होगा ना या फिर सुबह जल्दी होगा। अब चंद्र ग्रहण का समय आया तो उसका जो सूतक है वो 9 घंटा पहले लगेगा कि नहीं। सूर्य ग्रहण का 12 घंटे पहले लगेगा। सूतक लगना है अशुद्धि और ग्रहण है पर्व काल, ऐसे बहुत ध्यान से समझना। तो सूतक लगने से पहले ही 2 जोड़ी वस्त्र कुशा से ढक करके अलग अलग रख देने चाहिए। और जब सूतक लग जाए तो उनका स्पर्श नहीं करना चाहिए। और जब ग्रहण का समय उपस्थित हो जाए तो सर्वप्रथम पहले स्नान करना चाहिए। अपन क्या करते हैं, सूतक के बाद ग्रहण में बैठे बैठे राम राम करते हैं और बाद में नहाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि ग्रहण लगने पर पूर्व स्नान करें पहले, और वो 1 जोड़ी वस्त्र पहन ले और पहले ही कंबल आसन सब बिछा के रखे कंबल का, और उसी वहीं पर सब अपने पंचपात्र आदि में जल कुशा छोड़ करके उनको ढक के रख रहे, और फिर ग्रहण के पर्व काल में बैठ करके आसन पर अपना नियम करे, जप करे। ग्रहण के समय में जितना ठाकुर जी का या गुरु मंत्र का या इष्ट का स्मरण किया जाता है वैष्णवों को पुरुष चरण का फल प्रदान करता है। इसके ग्रहण आने पर बहुत सावधान रहना चाहिए, बिल्कुल तन्मयता के साथ। तदुपरांत ग्रहण का पर्व संपन्न होगा, 2 घंटे का ग्रहण है, कितने मिनट का ग्रहण है, वो संपन्न जब हो जाएगा तो उसके बाद में पुनः स्नान किया जाता है, और पुनः स्नान करके फिर वापस शुद्ध हुआ जाता है। यज्ञोपवीत धारी उस समय उपवीत आदि सब बदलते करते हैं, ऐसा क्रम है। अब आप, ये तो हुआ घर की बात, अब आप ग्रहण काल के समय किसी तीर्थ में हो सौभाग्य से, और आप मानो चलो गलता ही गए, या आप पुष्कर में थे, या आप यमुना के किनारे कुरुक्षेत्र में कहीं भी रहे, तो उस ग्रहण काल में आप मुझे बताइए कि जो स्नान किया जाएगा वो आप करोगे कि नहीं, बताओ तो सही। रात को चंद्र ग्रहण हुआ और 2 बजे आपको शुद्धि हुई तो नहाओगे कि नहीं, तीर्थ में तो वहीं स्नान होगा ना। और शास्त्र कहते हैं कि रात्रि 12 से 3 नहाना ही नहीं चाहिए किसी जलाशय में, तो फिर कैसे नहाओगे। विशिष्ट धर्म के उपस्थित होने पर सामान्य धर्म गौण हो जाता है, विराम हो जाता है। क्योंकि ग्रहण जो है वो विशिष्ट धर्म है, इसलिए विशिष्ट पर्व काल है, इसलिए सामान्य नियम जो है ना रात्रि में 12 से 3 का नहाना निषेध है। वो नंद बाबा जानते थे और मंजुला द्वादश जाने को थी, इसलिए नंद बाबा रात्रि में ही स्नान करने गए। वरुण देव के सेवकों को ये पता ही नहीं था, और वरुण लोक के सेवकगण उनको पकड़ के ले गए। ब्रजवासियों ने जाते तो बाबा को देखा लेकिन आते नहीं देखा, और जब आते हुए नहीं देखा तो सारे के सारे ब्रजवासी बोले, कन्हैया भैया बाबा तो डूब गए, यमुना जी में डूब गए, हमारे बाबा कैसे हो सके। ठाकुर जी भी गए और यमुना जी में डुबकी लगा करके सीधे वरुण लोक पहुंच गए। जैसे ही वरुण लोक पहुंचे, वरुण देव ने भगवान का दर्शन किया तो अपना सिंहासन छोड़ दिया, खड़े होकर के प्रणतिपात प्रणाम निवेदन किया और भगवान की स्तुति करने लगे। अद्य मे निभ्रतो देहो दैवार्थो दिगत प्रभो त्वत्पाद भाजो भगवन् नवाभू पारमध्वनः नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने नयत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। भगवन, आज मेरा देह धारण करना धन्य हो गया क्योंकि मुझे आपका दर्शन हो गया। कैसे आना हुआ आपका? भगवान ने कहा, तुम हमारी तो स्तुति कर रहे हो, हमें इतना वंदन कर रहे हो, प्रणाम कर रहे हो, हमारे बाबा को बंदी बना रखे हो। आपके बाबा महाराज मैंने कहाँ पकड़ लिए? अरे तुम्हारे सेवक पकड़ के लाए, वो हमारे बाबा है।
महाराज अजानता माम केना मूढ़ेना कार्य वेदिना आनीतोऽयं तव पिता तद्भवान् क्षन्तुमर्हति। सेवक के द्वारा किए गए अपराध पर स्वामी को क्षमा याचना करनी पड़ती होता है कि नहीं? हमारे सेवकों से अपराध हो गया, भगवान हमें क्षमा कीजिए।